तो मैं जा रहा हूँ गाइस इस वक्त अभी न्यूज वालों की बिल्डिंग की तरफ, क्योंकि मुझे पता चला है स्पीकर मैन के सूट के बारे में। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई लास्ट टाइम ही तो स्पीकर मैन का सूट चुराया था, एक्चुअली में गाइस वो था एक प्रो स्पीकर मैन का सूट। सबसे पहले जो हम लोगों ने स्पीकर मैन का सूट चुराया था वो था एक नॉर्मल स्पीकर मैन का सूट। उसके बाद जो हम लोगों ने सूट चुराया था, मतलब चुराया गया था, अनलॉक किया था, वो था एक अच्छा वाला एक्सपेंसिव वाला स्पीकर मैन। बट आज जिस सूट को हम लोग चुराने वाले हैं वो है गाइस लिटरली में गॉड स्पीकर मैन का सूट। भाई गॉड स्पीकर मैन, बहुत बड़ी बॉडी, बहुत तगड़ी बॉडी और बहुत तगड़ी सुपर पावर्स होने वाली है उसके पास। तो देखते हैं क्या सीन होता है। फिलहाल इस वाली बिल्डिंग के ऊपर है तुम लोग, बल्कि यहीं से देख सकते हो यार, वहां पर जो जाले लगे पड़े हैं। रुक जाओ मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये निकाला मैंने फोन, ये देखो भाई ये न्यूज वालों की बिल्डिंग है, पता नहीं क्या नाम है इनके न्यूज का। और वहां पर सूट का वो जाला है, उसी के अंदर सूट होने वाला है गॉड स्पीकर मैन का सूट। आई हैव नो आइडिया आज क्या टास्क होगा ये गॉड स्पीकर मैन का सूट अनलॉक करने के लिए, बट जो भी टास्क हो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए भाई, मुझे चेक करना है इस गॉड स्पीकर मैन के पास क्या यूनिक पावर्स हैं। बाकी इस वाली बिल्डिंग के टॉप पे क्या पार्किंग के थ्रू जा सकते हैं? लेट मी चेक इसी वाली बिल्डिंग के टॉप पे जाना है, तो आई गेस पार्किंग के थ्रू तो हम लोग डेफिनेटली नहीं जा सकते हैं यार। कोई इधर रैंप वैम्प भी तो नहीं लगा है। अबे यार कैसे जाऊं इस न्यूज वालों की बिल्डिंग के ऊपर? एक रैंप लगा के देखता हूं, शायद तब मेरा कुछ काम बन जाए। रुक जा। यस गाइस मैं रैंप लगाता हूं और उससे फिर ट्राई करते हैं, मे बी डेट वर्क्स। ओके दिस इज द टाइम। रैम मैंने लगवा दिया एकदम परफेक्ट जगह पर। अगर मेरी जंप एकदम ब्यूटीफुल और परफेक्ट रही भाई मैं पहुंच जाऊंगा इस बिल्डिंग के टॉप पे, तुम लोग देख लेना। ओके ये बहुत ही बढ़िया एपिक जंप बूस्ट। अबे यार मैंने ये तो सोचा ही नहीं, मैं तो ये न्यूज वालों की बालकनी में ही अटक के गिर जाऊंगा। अबे इसके बारे में तो मैंने बिल्कुल भी सोचा ही नहीं, बिल्कुल फ्लैट बिल्डिंग थोड़ी ना है कि मैं बिल्डिंग के ऊपर बाइक चला के पहुंच जाऊंगा टॉप पे। ये तो एकदम ऐसी बालकनी वाली ऐसे छतरी से निकली पड़ी है। अब क्या होगा, अब कैसे जाऊं मैं इसके टॉप पे? बिल्डिंग, उस वाली बिल्डिंग से जंप लगानी पड़ेगी आई गेस। यस गाइस चलते हैं अब उस वाली बिल्डिंग के टॉप पर और लगाते हैं वहां से जंप। इसके अलावा और आई थिंक अपने पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आई गेस पहुंच जाऊंगा मैं इस जंप के साथ तो इस वाली बिल्डिंग पर। नीचे जाना है बस मेरे को, आराम से थोड़ा और नीचे लेकर चलते अपने पैराशूट को। वहाँ इधर हेलीपैड भी है, ये कैसी बिल्डिंग है कि हेलीपैड है यहाँ पर, पता नहीं। चलते हैं आगे। ओके आ गए। वहाँ ये रहा स्पीकर मैन का ओपी वाला सूट, ये रहा गॉड स्पीकर मैन का सूट। ओए कम ऑन ऊपर। अरे यार नीचे ही गिर गया मैं, अब यहाँ से ऊपर कैसे जाऊँ? यहाँ से ऊपर तो चलो ये पकड़ के मैं चला जाऊँगा। कम ऑन, अबे नहीं गया। अबे जाना भाई सीधा। अबे क्या कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुको, पहले इस वाले खंबे को पकड़ो, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ वाले खंबे से ऊपर, अब फाइनली आई डोंट नो मैं कैसे पहुँचाऊँ, लेकिन फिर से गिर गया भाई। आखिरकार पहुँच गया, नहीं इस बार पहुँचने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आ गया भाई, जब सूट तक पहुंचने में इतनी मेहनत लगी है तो टास्क कितना मुश्किल होगा यार, बहुत मुश्किल टास्क होने वाला है। बाकी तुम लोग जरा इसे स्पीकर मैन का सूट देखो, इसका सर देखो कितना तगड़ा स्पीकर है भाई, ट्रिपल स्पीकर ऐसे निकला हुआ है सर, बहुत ही तगड़ा लग रहा है। बाकी सूट बहुत ही खतरनाक है यार, ये तो मैं ऐसे ही अनलॉक कर लूंगा। ये टास्क वास्क कंप्लीट करने की क्या जरूरत है? नहीं, अंदर नहीं जा पा रहा यार, मैं इस केज के अंदर ही नहीं जा पा रहा, ऐसे कैसे होगा ये? नहीं, आई थिंक टास्क कंप्लीट करना ही पड़ेगा। मैं थोड़ा इन सूट वालों से तेज चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं भाई ये तो मैं ही गलत निकला, नहीं जा सकता मैं, टास्क कंप्लीट करके ही अनलॉक करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर पेपर पड़ा हुआ, फटाफट से इसको रीड करते हो, देखते हैं टास्क क्या है। तो पेपर के अंदर टास्क देख सकते हो तुम लोग, स्टील लॉन्ग स्पीकर फ्रॉम टेररिस्ट बेस, व्हाट? बाकी नीचे लाइक एंड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, चलो लाइक एंड सब्सक्राइब तो तुम लोग कर दोगे वो तो डेफिनेटली, बट स्टील लॉन्ग स्पीकर फ्रॉम टेररिस्ट बेस का क्या मतलब हुआ? लॉन्ग स्पीकर मतलब ऐसा, ये लंबा सा जो स्पीकर है पीले कलर का, ऐसा पीला नहीं मतलब पीला कलर भी है उस पर, ब्लैक कलर का स्पीकर है वैसे, तो ये ऐसा एक लंबा स्पीकर हमें चुराना है टेररिस्ट बेस से। थोड़ा मुश्किल होने वाला है बट मैं करूंगा जरूर, क्योंकि मेरे को ये सूट चाहिए, बहुत ही एपिक सूट है भाई। देख रहे हो तुम लोग बॉडी स्पीकर मैन की, चाहिए भाई अपने को ये स्पीकर मैन का सूट, डेफिनेटली चाहिए। मैं जा रहा हूँ यहाँ से फटाफट से टेररिस्ट बेस की तरफ और फटाफट से चुराते हैं वहां से वो लॉन्ग स्पीकर। वैसे मिलिट्री बेस या पुलिस वालों से, पुलिस स्टेशन से चुराना रहे तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि मैं
मतलब बेमतलब मैं गोलियां नहीं चलाता वहां पर, अपनी जान बचाने की बात आ जाए मैं तभी वहां पर गोलियां चलाता हूं। बट इस बार हमें चुराना है टेररिस्ट बेस से, वहां तो बिंदास भाई गोलियां तो मैं बिना पूछे चलाने वाला हूं वहां पे। फटाफट से चलते हैं, लेकिन उससे पहले जरा गन्स भी तो होनी चाहिए मेरे पास। और मेरी ड्राइविंग कब सुधरेगी यार, लिटरली मैं जब भी कोई रैम चैलेंज वैम चैलेंज करना रहे तुम देखो फिर मेरी ड्राइविंग, और ऐसे कहीं इंपॉर्टेंट काम पे जाना रहे फिर देखो मेरी सबसे बकवास घटिया ड्राइविंग। अभी फिलहाल इधर है वेपन स्टोर, ये रहा वेपन स्टोर, चलते हैं यहाँ पर और खरीदते हैं जरा गन्स, लेट्स गो। ओके अबे खुल जा, अरे खुल जा दरवाजे खुल जा। हेलो भाई जितनी गन्स है दे दे। सारी गन्स यहाँ पर मैंने ले लिए हैं, बहुत सारे आर्मर भी ले लिए मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो गन्स भाई, ग्रेनेड से लेकर स्टिक बॉम्ब से लेकर राइफल से लेकर स्नाइपर, जबकि स्नाइपर की कोई जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, बट खरीद लिया है तो सबका यूज करूंगा मैं। चलते हैं चुरा के लाते हैं टेररिस्ट बेस से हम लोग लॉन्ग वाला स्पीकर, कम ऑन लेट्स गो। तो अभी मैं फिलहाल पहुंचने वाला हूँ लॉस सैंटोस के सबसे फेमस वाले टेररिस्ट बेस की तरफ, जहां से गुजरने से पहले पुलिस वाले भी 10 बार सोचते हैं। वहां जा रहा हूँ मैं वहां से स्पीकर चुराने, और कुछ नहीं भाई सिर्फ और सिर्फ एक स्पीकर। चलते हैं देखते हैं क्या होता है। हाँ यही वाला तो पोर्ट है, वो तो रहा सामने की तरफ बेस। ओ हेलो मैं गलत जा रहा हूँ यार, मैं बाइक लेके क्यों आ रहा हूँ, मेरे एक्सीडेंट होते रहते हैं बार बार। ओके बाइक तो पता नहीं कहाँ चली गई यार, मिशन से पहले मैं क्या टास्क कंप्लीट करूँगा, मेरी तो बाइक ही खो गई है। खैर बाइक खो गई तो खो गई, गाड़ी छीन लेते हैं यहाँ से किसी की। हेलो सर गाड़ी दो अपनी। और जिस पोर्ट पे जा रहा था वो गलत पोर्ट था, मुझे राइट जाना है यहाँ से, तो चलते हैं फिर, दिक्कत किस बात की है। ओके ओके बहुत ही बढ़िया, यही वाला आई थिंक करेक्ट पोर्ट है, कि ये वाला भी गलत है भाई। हेलो मेरे को नहीं पता भाई ढंग से इन टेररिस्ट बेस के बारे में। आई गेस यही है, यही यही परफेक्ट है, परफेक्ट है, यहीं से तो मुझे स्पीकर चुराना है। चलते हैं अंदर। हेलो डर का काफ़ी ज़्यादा माहौल, गाड़ी को लगाते हैं यहाँ पे और चलते हैं अंदर। नहीं है यार टेररिस्ट तो यहाँ पर, या फिर हो सकते हैं, आई हैव नो आइडिया। स्नाइपर निकालता हूँ ज़रा मैं। ओ भाई है पट से हेडशॉट मारते हैं, ये ले गया। ओ देख लिया यार स्नाइपर का क्या फ़ायदा, मेरे स्नाइपर के अंदर साइलेंसर नहीं है क्या। हेलो हेलो कह दो ये झूठ है, और आ भाई देख लिया उन लोगों ने, कोई बात नहीं दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, जाले के उस पार से मारूंगा बेटा मैं तुम लोगों को। निकल यहाँ से, निकल भाई निकल निकल। ओके एनीवन एल्स, ओके आई एम कमिंग फॉर यू ब्रो, निकल यहाँ से। और कोई इधर है, इधर इधर और है, और कोई है, ओके इधर भी है कोई, निकल बेटा तू भी निकल, एक बचा लास्ट, नहीं नहीं अभी और है, अरे बहुत है अभी तो, ये भी निकल। पूरा टेररिस्ट बेस उड़ा दिया मैंने इसी के साथ। अब जरा जल्दी से ढूंढते हैं इधर स्पीकर कहाँ पर है, लेट मी चेक, ये तो सबमरीन है भाई, क्या प्लान कर रहे हैं ये लोग, बॉम्ब वॉम है कि सबमरीन है, आई हैव नो आइडिया क्या है ये। अरे कहाँ पर है? ओ ये क्या है ब्रिज, कितना एपिक ब्रिज बनाया है यार इन लोगों ने पानी के ऊपर। अरे पार्कोर हो सकती है यहाँ से, तो गिर गया। हाँ तो मैं कह रहा था गैस कि यहाँ से तो पार्कोर हो सकती है यार लिटरली में। ओए उधर एक है, निकल। अरे उधर तो अभी बहुत हैं शायद, अरे पूरे देखो दौड़ रहे हैं। अब यार निकल ना, पैरों पे की लग रही है इसकी गोली। अरे पीछे से कौन मार रहा है, ओ हेलो पीछे से कौन, पीछे से कौन है बे, ब्लास्ट कर दूंगा सब कुछ मैं, पीछे से हमला नहीं करने का बेटा, दमे तो आ गया। चल निकल, और कोई है, और कौन है, ये ले बेटा निकल। चल बहुत ही बढ़िया, और कोई है, और कोई, अरे मैं उस ब्रिज के ऊपर से जाने की कोशिश कर रहा था, इन नालायकों ने जाने भी नहीं दिया। चलते हैं वापस से, अभी कोई नहीं है ना, कोई है तो आ जाओ पहले मेरे सामने, पीट पाट दूंगा उसे भी मैं। बहुत ही बढ़िया जंप, कम ऑन पकड़। अबे इस बार हाथ में बिना वेपन्स के ट्राई करता हूँ मैं, ये जंप तो हिट करनी है यार मेरे को, रुक जाओ बस एक बार। नहीं हो रहा भाई, हाथ से पकड़ने की भी कोशिश की नहीं हुआ, छोड़ो मैं ही अपना रास्ता बदल लेता हूँ। कोई और है, हेलो कोई और है क्या, कोई और है क्या, एक सेकंड रुको दूसरी गन निकालता हूँ, ये वाली, इसके साउंड बहुत बढ़िया लगती है, साउंड सुनो एक बार, देख रहे हो तुम लोग साउंड, ऐसा लग रहा है दिवाली के पटाखे जल रहे हैं। तो पीछे कौन है बे, पीछे कौन है, बाहर निकल, इधर 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 निकल यहाँ से। बॉय साहब इतनी छोटी सी पिस्टल के अंदर लगता है मशीन गन फिट कर दी है, इधर भी था एक। अबे स्पीकर कहाँ है, इतनी बड़ी जगह में स्पीकर कहाँ ढूंढूं मैं, स्पीकर टेल मी ब्रो स्पीकर कहाँ है, कोई ना कोई तो होगा जिससे मैं पूछ सकता हूँ। लॉन्ग स्पीकर लॉन्ग स्पीकर लॉन्ग स्पीकर, और अब भाई साहब इधर है क्या स्पीकर इनका, अरे फुल इन्होंने तो पूरा हॉस्पिटल बना रखा है इस जगह को, क्या हो रहा भाई, अलग ही सीन है ये तो,
कंप्यूटर वंप्यूटर पता नहीं क्या क्या रिसर्च कर रहे हैं ना लायक। स्पीकर ओ मिल चुका है, इसी के साथ हमें हमारा द लॉन्ग स्पीकर। फटाफट से इस स्पीकर को लेकर चलेंगे, पर उससे पहले मैं नहीं चाहता कि जब मैं इतना भारी भरकम स्पीकर लेकर जाऊं तो मेरे ऊपर हमला हो, इसलिए हम लोग पहली रास्ता क्लियर कर देते हैं। गाइज लेट्स गो, कोई और है तो नहीं, आ तो नहीं गए इतनी देर में और टेररिस्ट, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता भाई। हेलो कोई है तो अभी बता दो कोई है तो। नहीं है, आई गेस हम लोग निकल सकते हैं यहाँ से। चलो 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 जल्दी 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 जल्दी। फिर एक काम करता हूँ, उसे अपनी पीठ पे बांध के लेकर जाता हूँ। हाँ पीठ पे बांध कर लेकर चलते हैं यार, हाँ ये ठीक रहेगा, ताकि बीच में कोई आए तो मैं उससे फाइट भी कर सकूँ एटलीस्ट। चलो चलो भाई, क्या लग रहा है ये अजीबो गरीब, चलते हैं टास्क कम्प्लीट करेंगे तभी तो हमें खतरनाक वाली स्पीकर मैन का सूट मिलेगा, द गॉड स्पीकर मैन सूट। अभी इधर से इधर, और भाई कैसा लग रहा है ये, कोई टेररिस्ट तो नहीं है ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन है भाई है, इधर बंदे है कहाँ है, इधर निकल, और इधर भी है थोड़े बहुत, ये ले निकल। और क्या दूर से पिस्टल से हेडशॉट मार रहा है, पिस्टल ही तो है ये, असॉल्ट पिस्टल, ये ले निकल निकल यहाँ से निकल। वैसे इस गन का नाम क्या है, आई हैव नो आइडिया, मिनी SMG। चलो आ रहा, खोल दो भाई दरवाज़ा, खोल दो ये, और खोल दो यार, ओके खुल गया, बढ़िया बढ़िया, जल्दी से इसको गाड़ी के ऊपर रखेंगे और निकल लेंगे यहाँ से सीधे हमारे गॉड स्पीकर मैन के सूट की तरफ। इट्स को ये रही अपनी गाड़ी, रखते हैं फटाफट। चलो भाई स्पीकर रख दिया, जल्दी 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 गाड़ी जल्दी जल्दी, वो आते ही होंगे टेरिस मेरे पीछे, वो लोग आए उससे पहले मैं निकल लेता हूँ फटाफट। अरे इधर क्यों गोलियाँ चला रहा हूँ मैं, मेरे को बस यहाँ से निकलना है। चलो भाई इस ओल्ड ज़माने की मस्टैंग को लेकर निकलते हैं यहाँ से, बूस्टर भी है इसके अंदर, वाओ नाइस भाई। यही तो फ़ायदा है यार गाड़ियों का, जैसे ये बैरिकेड्स वगैरह हैं इनको तोड़ के हम लोग ईजिली जा सकते हैं, लेकिन उस बाइक से अगर मैं बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहा था तो देखो तुम लोगों ने क्या हुआ, बाइक अलग मैं अलग बैरिकेड अलग, ऐसा हो रहा था सीन। अभी तो मैं किसी गाड़ी वाड़ी को भी टक्कर मार के ईजिली जा सकता हूँ। जल्दी से निकलते हैं अभी वापस हम लोग अपने 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 क्या है वो गॉड स्पीकर मैन के सूट की तरफ। लेट्स गो, ओके आ गए भाई। स्पीकर चुराना था, पोटास कर दिया मैंने, स्पीकर का क्या करना है आगे ऐसा कुछ नहीं लिखा था पेपर के अंदर, तो जो लिखा था वो तो मैंने कर दिया। अभी फटाफट से चलते हैं, देखते हैं अनलॉक हो गया है या फिर नहीं। अनलॉक तो होना ही था भाई, अनलॉक हो चुका है हमारा गॉड स्पीकर मैन का सूट, और फटाफट से इसे ट्राई ऑन करते हैं। ओके कुछ हैवी हैवी सा फील तो हो रहा है भाई, इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, बहुत ही खतरनाक तो लग रहा है यार। अभी ज़रा ट्राई करते हैं इसके सूट को, पहले तो यहाँ से जंप लगाते हैं एकदम एपिक वाली। अरे 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 वाह, अरे ओके गिर गया। अब ज़रा पावर्स को एक्टिवेट करते हैं इसकी, आई गेस कि कुछ बढ़िया बढ़िया पावर्स होंगी इस गॉड स्पीकर मैन के पास। बाकी तुम लोगों ने कहा अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। यस वीडियो को जाओ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अभी जरा और डिफरेंट पावर्स को ट्राई करते हैं, ये वाली पावर तो आजकल सबके पास है। चलते हैं नीचे की तरफ, लास्ट टाइम तुम लोगों ने देखी थी भाई स्पीकर मैन की पावर, इसके अंदर मैं गाड़ियों को अपने पीछे फॉलो करवा सकता था, वो भी हवा में, क्या एपिक पावर थी यार वो भी। इसके पास देखते हैं क्या पावर्स हैं, लेट्स गो नीचे चलते हैं, क्या पावर है। अरे बस घूसे ही मारता रहेगा, अपनी पावर भी बताएगा भाई तू, अरे भाई पावर बताएगा तू। ओए एक सेकंड, ओ ये फायर बॉल फेंक सकता है, अरे ये तो बढ़िया पावर है यार, लेकिन इसकी फायर बॉल तो इसके सर में ही फूट जा रही है। वेट तो क्या मैं इसके सर से आग लगा सकता हूँ, रुको 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 किसी बंदे को पकड़ने दो, यहाँ पर कुछ लोग भाग तो रहे हैं। हेलो आंटी जी, इनके पास जाके ब्लास्ट करता हूँ। नहीं गाइस ये वाली पावर तो आई थिंक इसकी वेस्ट है बस, किसी को कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है। ठीक है पावर फेंक सकता है, लेकिन जो भी ये आके गोले फेंक रहा है, ओ नहीं यार गाड़ी तो पीछे ब्लास्ट हो गई, लेकिन जो भी हो उतनी कुछ खास पावर नहीं है, कोई दूसरी पावर ट्राई करते हैं। इसके पास एक पावर है किसी भी चीज़ को बिना टच किए क्रश करने की, और वो पावर तुम लोग बखूबी देख सकते हो भाई काम कर रही है। सामने वाला ट्रक देखो, सामने वाली गाड़ी देखो, अब ये वाली गाड़ी भी देखो, भाई साहब एक और ट्रक आ रहा है सामने से, अब इसका हाल देखना तुम लोग, भाई साहब पूरा क्रश कर दिया मैंने इसे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है, जरा इसे भी क्रश करते हैं। लेट्स गो भाई, इनकी भी गाड़ी टूट फूट गई है, इस वाली गाड़ी को पूरा चकना चूर कर देते हैं। ओए होए क्या हाल कर दिया इस गाड़ी का भाई, इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ पावर तो सारे स्पीकर मैन के पास बहुत तगड़ी तगड़ी थी, और आई गेस इसके पास तो बहुत ही ज़्यादा ही तगड़ी है यार। ये देखो गाड़ी का हाल, क्या हाल करके रख दिया इसने गाड़ी का,
अरे भाई ये तो बहुत ही ज्यादा यूनिक है पावर। गाड़ी के पहिए तलक निकल जा रहे भाई, क्रश हो जा रही है पूरी। ये देखो इसके दोनों व्हील्स निकल गए आगे के। ये वाली एसयूवी देखो, इसके दोनों व्हील्स निकल गए आगे के। क्या मुंह बना दिया उसकी गाड़ी का। ये देखो नैनो, नैनो भी चकनाचूर। ये वाली गाड़ी देखो, और है भाई क्या हाल हो गया इसका। और अंदर का ड्राइवर तो गया ही भाई, बहुत यूनिक पावर है यार। इन वाली आंटी की गाड़ी देखो गई। ये वाली आंटी मजे जा रही होगी शॉपिंग के लिए, गाड़ी का क्या हाल हो गया रास्ते में। और क्या पावर्स हैं? एक और पावर है इसके पास जिसमें ये आई थिंक कुछ तो ब्लास्ट कर सकता है। अब आई हैव नो आइडिया कैसा ब्लास्ट, लेकिन आई थिंक कुछ तो खतरनाक ब्लास्ट कर सकता है ये। हेलो हेलो ब्लास्ट कर भाई, हेलो क्यों नहीं कर रहा तू ब्लास्ट। ओ भाई साहब क्या ब्लास्ट हुआ ये, ओ तेरी क्या सॉलिड ब्लास्ट हुई। तो बहुत ही तगड़ा वाला है यार, बॉम्ब ब्लास्ट जैसा कुछ तो लगा। तुम लोग देखना भाई, ये देखो लिटरली में क्या ड्रामा था ये भाई। क्या है ये भाई, ये गॉड स्पीकर मैन तो कुछ अलग ही लेवल है। इसके हाथ देखो, हाथों में कुछ तो है गाइस, और वो फेंकता और वो चीज़ ब्लास्ट हो जाती है आगे वाली। तुम लोग देखना अभी, मान लो सामने से वो ट्रक आ रहा है, ठीक है, ये ट्रक के ऊपर फेंका इसने अपनी पावर को, और वो देखो वहाँ सारी गाड़ियों का क्या हाल हुआ। ओ तेरी, ये तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक पावर है यार। हेलो कुछ और फेंकू जरा मैं दूर, एक और मैंने फेंका है, फिर देखना तुम लोग ब्लास्ट। वो देखो कहाँ जा ब्लास्ट हुआ है, एक और फेंकता हूँ, एक और मैंने फेंका है, और ये देखो भाई सारी गाड़ियाँ उड़ गई। इधर फेंकता हूँ जरा, लेट्स गो, इधर भी मैंने फेंका है। ओ भाई साहब लिटरली में मेरे पे खुद पे इम्पैक्ट हो रहा है यार। ओ तेरी, ये तो आई थिंक गाइज अभी तक जितनी पावर्स मैंने टेस्ट किए हैं सबसे अलग, सबसे यूनिक, सबसे खतरनाक पावर थी ये अभी तक की लिटरली में भाई। इससे डेडली पावर हो नहीं सकती है जो इस गॉड स्पीकर मैन के पास है। आई होप तुम लोगों को ये पावर बढ़िया लगी हो। अगर बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करो, और याद से ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना गाइज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।